याद करें कैसे आप किसी को पहली बार देखते हैं और पहले से उनके बारे में एक धारणा बना लेते हैं। क्या आप इस प्रशिक्षण में लोगों के बारे में सोच सकते हैं और याद कर सकते हैं कि असल बातचीत शुरू होने से पहले आपने उनके बारे में कैसा महसूस किया था? यह गैर मौखिक संचार की भूमिका है। यह बातचीत का वह रूप है जिसमें हम अपने शब्दों का उपयोग किए बिना अपने चेहरे के भाव, अपनी शारीरिक भाषा और हाव भाव के साथ भाग लेते हैं। प्रभावी ढंग से बोलने के अलावा एक सूत्रधार के रूप में यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने अशाब्दिक संचार के बारे में भी सचेत रहें। अशाब्दिक संचार या शारीरिक हाव भाव के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्या आप बॉसी या फ्रेंडली हो रहे हैं? अपनी कमर पर हाथ रखने से आप अधिकारिक और घमंडी दिखाई देते हैं, जैसे आप श्रेष्ठ हैं और आपके दर्शक हीन हैं। इसके बजाय अपने हाथों को अपनी तरफ या अपने शरीर के सामने रखना शिष्टता और सम्मानता का प्रतीक है। इसी तरह आपकी छाती के सामने क्रॉस किए हुए हाथ भी एक बंद लगभग अधिकारिक बॉडी लैंग्वेज को दर्शाते हैं, जो अवचेतन रूप में व्यक्ति को आपसे दूर कर देगी। आपका चेहरा 1000 शब्दों के लायक है। क्या आपने कभी ऐसे लोगों पर ध्यान दिया है जो हमेशा चिंतित या गुस्से में दिखते हैं? क्या आपको लगता है कि अगर आपके चेहरे पर वह भाव है तो आपके दर्शक आपसे जुड़ना चाहेंगे? एक सरल सूक्ष्म मुस्कान आत्मविश्वास, समझ और सहानुभूति को दर्शाती है और शब्दों के इस्तेमाल से पहले ही संचार के लिए रास्ता खोल सकती है। क्या आप उन लोगों के बारे में सोच सकते हैं जो अपनी मुस्कान के कारण स्वीकार्य दिखते हैं? आई कॉन्टैक्ट दुनिया में सबसे अच्छे नेटवर्क में से एक है आंखें। किसी से बात करते समय आप यह धारणा बनाना चाहते हैं कि आप इसमें शामिल हैं, जुड़े हुए हैं, आत्मविश्वासी और सचेत हैं। आमने सामने और यहाँ तक कि समूह में बात करते समय आंख से संपर्क करना सभी का ध्यान आकर्षित करने का एक शानदार तरीका है। लोगों के विचलित होने की स्थिति में उनका ध्यान वापस चर्चा में लाने में भी यह बेहद प्रभावी है। इसी तरह किसी की बात सुनते समय आंख से संपर्क बनाए रखना भी ईमानदारी और इरादे को दर्शाता है। बात करने वाला व्यक्ति सम्मानित महसूस करता है और इसलिए आपके साथ चर्चा के लिए खुलने की अधिक संभावना भी रखता है। व्यवहारिक व क्रियाशील तरीके से हम अक्सर किसी से बात करते समय या किसी चीज की ओर इशारा करते हुए उंगली उठाते हैं। अवचेतन स्तर पर यह व्यक्ति को खुद को आक्रमित हुआ महसूस कराता है और इसलिए उसका अनादर होता है। इसके अलावा व्यक्त करने के लिए हाथ का उपयोग करने से बातचीत में बंद हाथ या पक्षों पर हाथों की तुलना में अधिक प्रभावी आत्मविश्वास जुड़ जाएगा। देखो और सीखो। अपने दर्शकों को देखना और पढ़ना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना बोलना। आप तरह तरह के भाव पढ़ सकते हैं। मुंह बनाना जो भ्रम या असहमत को दर्शाता है, झुकना जो रुचि का प्रतिनिधित्व करता है या उनके शरीर के सामने अपने हाथों को पार करता है, जिसका अर्थ यह हो सकता है कि वे रक्षात्मक हैं या बातचीत के लिए बंद हैं। स्पीकर की बॉडी लैंग्वेज पढ़ने सुनने से आपको अपने अगले कदमों को निर्धारित करने में मदद मिल सकती है। अपनी खुद की बॉडी लैंग्वेज और दूसरों की बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान देने से मौखिक बातचीत से परे आपके संचार को बढ़ाने में मदद भी मिल सकती है।